दिस इज दीक्वेंस इफ ऑल बिट्स आर इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट जीरो बोल्ट मीन्स की अगर सारी की सारी बिट जीरो होंगी देन दिस वोल्टेज इज इक्वल दिस वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो बोल्ट ठीक वट इज द आउटपुट फॉर एन इनपुट ऑफ दिस सीक्वेंस ठीक दिस सीक्वेंस आपको गिवन है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉट इज द बेसिक फॉर्मूला या व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ठीक है तो मैं जनरल इक्वेशन लिखती हूँ सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज ऑफ बिट एनबिट बिट का लेते हैं मीन्स कि अगर फोर बिट का पूछता है फाइव बिट का पूछता है तो सेम फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट एनबिट डी ए सी डी एसी मीन्स की डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपकी जो इनपुट होगी वो डिजिटल बिट सीक्वेंस होंगे और आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा एनालॉग आउटपुट ठीक है तो वी नॉट मीन्स की वी आउट इज इक्वल टू वी रेफरेंस ठीक है जो यहाँ पे क्या दे रखा है टेन पॉइंट थ्री मिली बोल्ट ठीक है क्या हो जाएगा टू रेज टू एन माइनस वन बी एन माइनस वन प्लस टू रेस टू एन माइनस टू बी एन माइनस टू प्लस ये आपका टेल कहां तक जाएगा टू रेस टू पावर जीरो बी रेस टू बी नॉट ठीक है ये आपकी जो बी नॉट होगी दिस इज द एल एस बी बेट और आपकी यहाँ पे जो बी एन माइनस वन होगी ये आपकी होगी एमएसपी पे ठीक तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है नाउ इन आवर क्वेश्चन क्या क्या गिवेन है एन इज इक्वल टू गिवेन है एंड वी रेफरेंस गिवेन है हमें टेन पॉइंट थ्री मिली वोल्ट ठीक है इनपुट सीक्वेंस इनपुट सीक्वेंस जो गिवेन है दैट इज वन जीरो वन वन जीरो वन 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 एल एस बी क्या होगी बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी एट ठीक है एन माइनस वन मींस की एट ठीक नाउ अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे पहले इस फॉर्मूले में वेन एन की वैल्यू नाइन है तो हमारा वी आउट का फॉर्मूला क्या होगा वी इज इक्वल वी नॉट इज इक्वल टू वी रेफरेंस टू रेज टू पावर टाइन माइनस टू ये आप अपने आप ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे लिखो डायरेक्टली भी लिख सकते हो ठीक है टू जीरो बी जीरो ठीक है मीन्स कि यहाँ क्या हो जाएगा वी रेफरेंस टू रेज टू पावर एट बी एट प्लस टू रेज टू पावर सेवन बी सेवन प्लस टू रेज टू पावर सिक्स बी सिक्स प्लस टू रेज टू पावर फाइव बी फाइव प्लस टू रेज टू पावर फोर बी फोर प्लस टू रेज टू पावर थ्री बी थ्री प्लस टू रेज टू पावर टू बी टू प्लस टू रेज टू पावर वन बी वन प्लस टू रेज टू पावर जीरो बी सी ठीक है सारी वैल्यूज होगी अब जहां पर भी b की वैल्यू वन होगी वो तो हम कैलकुलेट करेंगे जहां जीरो होगी वो टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे जीरो ठीक है इन दिस हमारे जो टर्म्स हैं यहाँ पर इस सीक्वेंस में बी फोर की वैल्यू जीरो है बी सेवन की जीरो है मीन्स की दिस विल इक्वल टू जीरो रिमेनिंग में बी की वैल्यूज क्या है वन है तो हमारा क्या जाएगा वी रिफरेंस की वैल्यू टेन पॉइंट थ्री मिली बोर्ड अंडर ब्रैकेट टू रेज टू पावर एट इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स बी एट इज वन प्लस सेवन की वैल्यू जीरो हो गई मीन्स जीरो प्लस टू रेस टू पावर सिक्स इज सिक्सटी फोर प्लस टू रेस टू पावर फाइव इज थर्टी टू प्लस दिस विल बी जीरो प्लस यहां पर क्या होगा एट टू स्क्वायर मीन्स फोर टू बेस्ट टू पावर वन मींस टू प्लस यहाँ क्या होगा वन ठीक नाउ अब हम इन सबको टोटल कर देते हैं ये हमारी जो वैल्यू है क्या इक्वल 367 ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस के साथ ठीक तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मिली 3780.1 मिलीवोल्ट ठीक है वी कैन राइट 3.7801 वोल्ट ठीक तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी दिस इज द वी नॉट फॉर गिव इन इनपुट सीक्वेंस ठीक है यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला यहाँ पर वी नॉट की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करके सीधे कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंड कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है अगर टू मार्क्स का है डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो कैलकुलेट करो अगर मोर देन टू मार्क्स है तो एक्सप्लेन करो पूरा फॉर्मूला देन वैल्यू को कैलकुलेट करो थैंक यू सो मच